जय हिंद साथियों, मैं सुग्रीम प्रजापति आप सभी का स्वागत करता हूं आपका अपना परिवार एडमिशन क्लासेस में। तो आज हम लोग नवोदय इंट्रेंस एग्जाम यानी जो नवोदय का पेपर होने वाला है कक्षा 9th का, उन्हीं को ध्यान में रखते हुए शिखर बैच के अंतर्गत हिंदी में इम्पोर्टेंट MCQ करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ से जो है प्रश्न आने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा रहेंगी, तो आप लोग शुरू से लेकर के लास्ट तक सभी क्वेश्चन को याद करेंगे और जो है उसको कॉपी में नोट कर लेंगे। देखिए, इसका पार्ट 3 है, इससे पहले पार्ट 2 और जो है पार्ट 1 कम्प्लीट हो गया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, वो सब जो है क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट हैं। आपको पता है कि जो है आपकी क्लासेज लाइव जो है 6 बजे स्टार्ट हो जाती है, जल्दी से आप लोग ज्वाइन होंगे और एक बार शेयर करेंगे अपने दोस्तों के पास, उसके बाद जो है हम लोग अपना क्लास स्टार्ट करेंगे। देखिए, आप टाइम नोट कर लीजिए, ये 6 बजे जो है आपकी क्लास स्टार्ट हो जाती है, तो जल्दी से आप लोग ज्वाइन होंगे और एक बार शेयर करेंगे। आज जो है हम लोग पार्ट 3 करने वाले हैं, पार्ट 3 में जो है इम्पोर्टेंट MCQ हिंदी का करने वाले हैं, तो जल्दी से आप लोग ज्वाइन होइए और एक बार अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। अगर आप इस समय 8 में पढ़ रहे हैं तो जो है 9 का फॉर्म आप लोग भर सकते हैं। जो विद्यार्थी जो है इस समय 8 क्लास में पढ़ रहे हैं, वो विद्यार्थी अपने दोस्तों को बताएंगे कि जो है 9 का फॉर्म आ गया है JNB का, आप लोग भर लीजिए। बाकी चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं और आप लोग बताएंगे क्वेश्चन का कौन सा आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 है और बताएंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 का कौन सा यहाँ पर आंसर होगा। जल्दी से बताएंगे, अगर आप लोग को पता आ रहा है तो आप बताएंगे, नहीं आ रहा है तो आप लोग क्या करेंगे, ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और सभी क्वेश्चन को याद करते हुए चलेंगे। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछा गया है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, यानी कि इसमें जो है आपको शुद्ध वर्तनी छानना है। कौन सा जो है एकदम से सही लिखा गया है, कहने का मतलब यही है, जो है कौन सा शब्द ऐसा है जो बिल्कुल सही लिखा गया है, शुद्ध वर्तनी करना है यहाँ पर। तो क्षत्रिय, देखिए क्षत्रिय किस तरह से लिखा जाता है, सबसे पहले आप लोग जानिए, बताएंगे आप लोग क्षत्रिय जो है किस तरह से यहाँ पर सही होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, देखिए तो ये वाला तो बिल्कुल गलत होगा, ये वाला लगभग सही लग रहा है, ये वाला भी लग रहा है, लेकिन ये वाला भी गलत है। तो इन दोनों में आपको बताना है इसमें से कौन सा बिल्कुल सही है। जल्दी से आप लोग बताएंगे इसका जो है कौन सा आंसर यहाँ पर सही होगा। देखिए, मैंने तो यहाँ पर ऑप्शन 1 भी गलत काट दिया, ऑप्शन 2 भी गलत काट दिया, बाकी आपको बताना है B या C कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है। तो जल्दी से बताएंगे, अगर आप लोग को पता है तो बताएंगे। तो यहाँ पर सभी विद्यार्थी बताएंगे छात्री बिल्कुल ऑप्शन C यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है, यानी कि जो विद्यार्थी यहाँ पर ऑप्शन C बताए हैं उनका बिल्कुल सही आंसर है। देखिए, आपके एग्जाम में शुद्ध वर्तनी भी आता है, इसीलिए मैंने एक क्वेश्चन जो है शुद्ध वर्तनी का भी ले लिया है। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे और आप बताएंगे दूसरे क्वेश्चन का कौन सा यहाँ पर आंसर होगा। देखिए और बताइए, यहाँ पर भी जो है आपको शुद्ध वर्तनी का चयन करना है, यानी कि शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए, कौन सा जो है बिल्कुल सही लिखा गया वही। तो उज्ज्वल जो है किस तरह से लिखा गया जाएगा, तो आप लोग जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर होगा। सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन संख्या लिखेंगे, उसके बाद बताएंगे कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। जल्दी से बताइए क्या होगा यहाँ पर सही आंसर। तो आप लोग क्या बताएंगे, देखिए उज्जवल जो है किस तरह से लिखा जाता है, तो यहाँ पर जो है यहाँ पे बिल्कुल गलत होगा, ऑप्शन 1 गलत होगा, देखने में ही गलत लग रहा है। उसके बाद जो है कौन सा, ये भी बड़ा ऊ है यहाँ पर, इसलिए गलत हो जाएगा, बड़ा ऊ दिया गया है यहाँ पर। आप लोग इन दोनों में बताना है कौन सा यहाँ पर सही है। तो दोनों लगभग सेम ही लिखा गया है, नहीं सेम नहीं लिखा गया, बताएंगे आप यहाँ पर जो है कौन सा आंसर सही होगा। ऊ आधा जाएगा वल होगा कि जो है उज्ज्वल होगा, कि यहाँ पर कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। तो आप लोग क्या बताएंगे, जल्दी से बताइए क्या होगा यहाँ पर सही आंसर। तो बिल्कुल यहाँ पर जो है ऑप्शन C यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर लिखा गया है, क्या होता है ऊ, उसके बाद जो है जा वाले उज्ज्वल, यहाँ पर ऐसा लिखा जाएगा, यानी कि जो है ऑप्शन C में दिख रहा है, यानी कि ऑप्शन C यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। जो विद्यार्थी यहाँ पर ऑप्शन C बताए हैं उनका जो है बिल्कुल सही आंसर है। बाकी अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है और सभी विद्यार्थी बताएंगे अगले क्वेश्चन का कौन सा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है और 3 का जल्दी से आप लोग बताएंगे, अगर आप लोग को पता आ रहा हो तो आप बताएंगे जल्दी यहाँ पर जो है कौन सा आंसर इसका सही हो जाएगा। सभी विद्यार्थी बताएंगे जिनको आ रहा है, जिनको नहीं आ रहा वो लोग क्या करेंगे, वो लोग जो है ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे और हर एक क्वेश्चन को याद करेंगे, बिल्कुल बेसिक से याद करेंगे। और जो है देख लीजिए, शुद्ध वर्तनी का आता है, तो आप लोग जो है बुक लिए होंगे, आप लोग तो बुक लिए होंगे, मुझे पक्का आशा है आप लोग जो है क्लास 9th नवोदय की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग बुक लिए होंगे, कोई भी बुक हो उसमें जो देखेंगे आप लोग जो है शुद्ध वर्तनी हो गया, ऐसा भी याद करने वाली चीज़ है, शुद्ध वर्तनी हो गया, पर्यायवाची हो गया, शब्द विलोम शब्द हो गया, इन सब को जो है आप लोग को याद करना पड़ेगा, ये याद करने वाली चीज़ें हैं। लेकिन जो उसमें इंपॉर्टेंट रहेंगे, जैसे कोई विलोम शब्द इंपॉर्टेंट है जो बार बार पूछा जाता है प्रश्न, तो उसको जो है हम लोग जो है हम कराएंगे वहाँ पर जो है थ्योरी में, तो आप लोग करा देंगे, यानी कि आप लोग उसको याद करेंगे। जो इंपॉर्टेंट रहेगा उसको हमें अलग से वीडियो में कराऊंगा। तो यहाँ पर जो कराया जा रहा है उसको आप लोग पढ़िए और याद करिए। यहाँ पर देखिए, जो कठिनाई से मिलता है, जो कठिनाई से मिलता है उसे आप लोग क्या कहेंगे, यहाँ पर दिया गया है एक के लिए एक शब्द क्या है, यानी कि आप लोग
जो कठिनाई से मिलता है, इसको आप लोग एक शब्द में कहना चाहेंगे तो क्या कहेंगे, यही पूछा गया है। तो जल्दी से बताइए, दुर्गम कहेंगे या दुर्लभ कहेंगे या अगम कहेंगे या सुलभ कहेंगे। क्वेश्चन 3, सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन संख्या लिखेंगे, उसके बाद बताएंगे यहाँ पर जो है कौन सा आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो जल्दी से आप लोग बताइए, तो क्या होगा, जो कठिनाई से मिलता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, दुर्लभ कहते हैं, यानी कि जो है बहुत दुर्लभ है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पर जो है बी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। जो विद्यार्थी यहाँ पर ऑप्शन बी बताए हैं, 3 का बी यहाँ पर सही आंसर है। देखिए, अगर आपसे पूछ लेता है जो आसानी से मिलता हो उसे आप लोग क्या कहेंगे, जो आसानी से मिलता है उसे हम लोग क्या कहेंगे, सुलभ कहेंगे, जो आसानी से मिल जाता है। लेकिन जो है कठिनाई से मिलता है, यानी कि बहुत कठिनाई होती है, आप लोग जो जैसे आप लोग नवोदय की तैयारी कर रहे हैं, इसमें ज्यादा बहुत कठिनाई है, बहुत कठिनाई है, जो इसमें आप लोग को पढ़ना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा, फिर जाकर पेपर में लिखना, पेपर सॉल्व करना पड़ेगा, तो अंक अधिक अंक मिले तो आपको जो है नवोदय में सिलेक्शन मिल जाएगा। यानी कि जो है कठिनाई बहुत ज्यादा है, कठिनाई बहुत ज्यादा है, लेकिन जो है हम लोग और आप लोग मिलकर के जो है इस कठिनाई को पार कर सकते हैं। यानी कि जो है आप लोग जो है जितना भी तैयारी करेंगे अच्छे से करेंगे और सभी क्वेश्चन को याद करेंगे और जो है नवोदय में पेपर अच्छे तरीके से दे करके आएंगे और पास हो जाएंगे। यहाँ पर देखिए, लेकिन जो आसानी से मिलता है उसे हम लोग सुलभ कहेंगे, सुलभ जो आसानी से मिल जाता हो। बाकी यहाँ पर जो है ऑप्शन बी बिल्कुल आंसर सही है, जो विद्यार्थी ऑप्शन बी बताए हैं उनका बिल्कुल सही आंसर है। बाकी अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, और सभी विद्यार्थी बताएंगे अगले क्वेश्चन का कौन सा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, और जल्दी से आप बताइए 4 का कौन सा आंसर यहाँ पर होगा। इसमें क्या पूछा गया, समास का शाब्दिक अर्थ होता है, समास का जो है शाब्दिक अर्थ क्या होता है ये पूछा गया, संक्षेप होता है या विस्तार होता है, विग्रह या विच्छेद, तो क्या होता है आप बताएंगे। समास का पूछा है किसका, तो समास का जो है शाब्दिक अर्थ क्या है। हम लोग समास भी कर रहे होंगे, समास में जो है द्वंद्व समास होता है और जो होता है ऐसे समास होते हैं, तो उसको जो है आप लोग याद करेंगे, दीर्घ समास, द्वंद्व समास, दीर्घ समास, जो है कर्मधारय समास, इनको जो है हम लोग ट्रिक के माध्यम से, ट्रिक बिल्कुल ऐसा ट्रिक रहेगा जो है आप लोग आसानी से एक ही बार देखेंगे, शब्द को देखेंगे तुरंत बताएंगे जो है ऐसा समास है, तुरंत उसका नाम बता देंगे जो है दीर्घ समास का है या द्वंद्व समास का है, इसको जो है आप लोग आसानी से बता सकते हैं। मैं ट्रिक ऐसी ट्रिक बना करके लेकर आऊंगा जिससे आप लोग आसानी से बता सकते हैं, देखेंगे शब्द तुरंत आंसर बताएंगे उसका, क्या कहेंगे, तुरंत ही आंसर बताएंगे। तो इसीलिए जो है आप लोग अभी जो MCQ में कराया जा रहा है उसको करिए और उसको याद कर लीजिए। बाकी जो है यहाँ पर देखिए, ये सभी क्वेश्चन जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सब क्वेश्चन जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर देखिए, समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो आप बताएंगे संक्षेप होता है, बिल्कुल यहाँ पर जो है ऑप्शन ए यहाँ पर सही आंसर होगा। जो विद्यार्थी यहाँ पर संक्षेप बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही आंसर है। बाकी अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन और बताएंगे आप लोग अगले क्वेश्चन का कौन सा आंसर जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, बताइए 5 का कौन सा आंसर यहाँ पर होगा। चिरायु शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, बताएंगे चिरायु में जो है कौन सा प्रयुक्त उपसर्ग, यानी कि उपसर्ग इसमें से कौन सा प्रयुक्त हुआ है, ची हुआ है, चू हुआ है, जीर हुआ है, आयु हुआ है, बताएंगे आप लोग कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखिए उपसर्ग मतलब क्या होता है, उपसर्ग मतलब जो है शब्द के पहले आता है, पहले उपसर्ग मतलब जो है शब्द के पहले आता है, और जो है प्रत्यय होता है, इसको आप लोग याद कर लीजिए, प्रत्यय, प्रत्यय जो होते हैं ये जो है बाद में आते हैं, यानी कि प्रत्यय जो होते हैं ये बाद में आते हैं, लास्ट में आते हैं, तो इसको जो है ये ट्रिक है, इसको आप लोग फॉलो करेंगे तो आसानी से हो जाएगा। लेकिन देखिए उपसर्ग मतलब पहले वाला, प्रत्यय मतलब बाद वाला, ऐसे आप लोग याद करेंगे, बस सिर्फ यही याद करना है, बाद में जो लगता है। तो देखिए यहाँ पर जो है चिरायु में जो है कौन सा उपसर्ग होगा, तो आप लोग क्या बताएंगे, चिर होगा, क्या होगा, चिर, यहाँ पर ची नहीं होगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा, चू भी गलत हो जाएगा, यहाँ पर चिर बिल्कुल सही आंसर है। जो विद्यार्थी यहाँ पर चिर बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही आंसर है। अगर आप पूछा पढ़ते पूछा तो आप बताते आयु, लेकिन यहाँ पर उपसर्ग पूछा है इसलिए ऑप्शन सी होगा यहाँ पर सही आंसर। जो विद्यार्थी यहाँ पर ऑप्शन सी बताए हैं उनका बिल्कुल सही आंसर है। अब बाकी चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, और सभी विद्यार्थी बताएंगे अगले क्वेश्चन का कौन सा आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, बताइए चिल्हाट में प्रत्यय शब्द है, बताएंगे चिल्हाट में जो है कौन सा प्रत्यय है, ची है, बिल्कुल गलत होगा, हट है, बिल्कुल गलत होगा, आहट होगा कि लाइट होगा, तो लाइट यहाँ, लाहट बिल्कुल गलत होगा, यहाँ पर लाहट यहाँ पर गलत होगा, बताएंगे आप लोग क्या होगा, तो आहट होगा, चिल्लाहट, बिल्कुल यहाँ पर आहट बिल्कुल सही आंसर है। यानी कि यहाँ पर जो है ऑप्शन सी होगा प्रत्यय, इसका तो चिल्लाहट का प्रत्यय। बाकी अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन और बताएंगे आप लोग अगले क्वेश्चन का कौन सा आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 है, और 7 का आंसर जल्दी से आप लोग कमेंट करिए और बताइए क्या होगा 7 का आंसर। तो यहाँ पर देखिए ईद का चांद होना का अर्थ क्या है, यानी कि क्या पूछा गया, ईद का चांद होना इसका अर्थ क्या है, खुशियां मनाना, बहुत सुंदर होना, बहुत दिनों के बाद दिखाई पड़ना, सबको सब सबको सब प्यार करें, यानी कि यहाँ पर जो है कौन सा आंसर सही हुआ, जिसको सब प्यार करें, तो यहाँ पर क्या होगा,
ईंट का चार्ट होना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा बार बार पूछा गया प्रश्न है, तो उसको देख लीजिए। इसको थ्री स्टार आप लोग करेंगे। खुशियां मनाना तो यहाँ पर होगा, बिल्कुल गलत होगा, खुशियां मनाना तो नहीं होगा। ईंट का चार्ट होना मतलब क्या होता है, बहुत दिनों के बाद दिखाई देना, यानी कि यहाँ पर जो है ऑप्शन सी होगा सही आंसर। बहुत सुंदर होना भी नहीं होगा, जिसको सब प्यार करें भी गलत है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन सी। ईंट का चार होना मतलब बहुत दिनों के बाद जो है दिखाई देना, क्या होगा ऑप्शन सी। जो विद्यार्थी यहाँ पर ऑप्शन सी बताए हैं उनका बिल्कुल सही आंसर है। आप लोग इसको याद करेंगे, यानी कि मुहावरे से भी पूछे गए, लोकोक्तियाँ भी पूछी जाएगी, ये सब याद करने वाली चीज़ है, इसको आप लोग याद करेंगे। लेकिन जो बार बार पूछे गए प्रश्न है, रिपीटेड प्रश्न है, उसको हम लोग जो है अपने क्लास में हम उसको शामिल कर लेंगे और उसको आप लोग याद कर लीजिएगा। बाकी अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, बताएंगे आप लोग अगले क्वेश्चन का कौन सा आंसर यहाँ पर होगा। अभी तक जल्दी से बताएंगे आप लोग, अभी तक जो विद्यार्थी क्लास को एक बार शेयर नहीं किए हैं अपने दोस्तों के पास, वो जल्दी से शेयर कर देंगे अपने दोस्तों के पास। उसके बाद जो है एक बार क्लास को लाइक भी कर देंगे, यानी कि क्वेश्चन जो है उनको याद हो रहा, सभी क्वेश्चन जो है याद हो रहा, सभी क्वेश्चन आसानी से बता पा रहे हैं। तो एक बार जो है आप लोग लाइक करेंगे और अपने दोस्तों के पास शेयर करके बताइए जो है कि जो है नवोदय का फॉर्म आ चुका है, जो बच्चे इस समय 8 में पढ़ रहे हैं, जो बच्चे जो है इस समय 8 में पढ़ रहे हैं वो विद्यार्थी का करेंगे नवोदय कक्षा 9 का फॉर्म भर देंगे। किसका, नवोदय कक्षा 9 की यानी BS का जो है आप लोग फॉर्म भर दीजिएगा। इससे क्या होगा, इससे जो है आपको अगर आप नवोदय में पास हो जाते हैं तो आपको जो है 4 साल फ्री में मिलेगा, पढ़ाई फ्री में, सब कुछ खाने पीने का सब कुछ जो है आपको फ्री में मिलेगा नवोदय का। इसे जो है नवोदय बिल्कुल आपको माना जाना भी स्कूल है, बहुत अच्छी सी पढ़ाई भी होती है यहाँ पर, तो आप लोग जो है इसका तैयारी करके नवोदय पास कर सकते हैं। 8 में जो विद्यार्थी इस समय वही फॉर्म भर सकते हैं कक्षा 9 का। तो जल्दी से आप लोग जो है जो विद्यार्थी 8 में पढ़ रहे हैं विद्यार्थी क्लास को शेयर करेंगे अपने दोस्तों के पास जो कक्षा 8 में पढ़ते हैं, और कहेंगे नवोदय 9 का फॉर्म भर लो, क्योंकि जो है अगर आप पास हो जाएंगे तो जो है आपका दोस्त भी होना चाहिए ना। अगर आपके पास दोस्त ही नहीं रहेगा जो इस समय है तो थोड़ी ना मजा आएगा। नहीं कि क्या करना है, आपको अपने दोस्त के पास भी शेयर करना है, क्योंकि जो है आप पास होंगे आपका दोस्त भी पास होगा तो बहुत अच्छा रहेगा, आप दोनों साथ ही रहेंगे। बाकी आप बताइए इसका कौन सा आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 है, बताएंगे हथेली पर सरसों उगाना का अर्थ क्या है। बताएंगे आप हथेली पर जो है सरसों उगाना बिल्कुल बहुत क्या है, बताएंगे आप लोग धनवान धनवान होना, कर्तव्य दिखाना, खुश खूब संघर्ष करना, आश्चर्यजनक काम करना। तो बताएंगे हथेली पर जो है सरसों उगाएगा तो क्या होगा यहाँ पर सेंसर, तो क्या होगा आश्चर्यजनक कार्य करना, यानी कि आश्चर्यजनक काम करना यहाँ पर बिल्कुल सेंसर होगा, यानी कि ऑप्शन डी। जो विद्यार्थी ऑप्शन डी बता रहे हैं 8 का, उनका बिल्कुल सेंसर है, ना धनवान होना होगा, ना कर्तव्य दिखाना होगा, ना खूब संघर्ष करना, यानी कि आश्चर्यजनक कार्य करना, हथेली पर सरसों उगाना। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 9, और जल्दी से आप बताइए 9 का कौन सा आंसर यहाँ पर होगा। इसमें देखिए जल्दी से बताइए, सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन संख्या लिखेंगे, उसके बाद अपना आंसर टाइप करेंगे। अगर आपको ए सही लग रहा है तो ए बताएंगे, ऐसे ही अगर आपको बी सही लग रहा है तो बी बताएंगे, ऐसे ही अगर आपको सी लग रहा है तो सी, ऐसे डी लग रहा है तो डी, यानी कि आप लोग को जो ऑप्शन सही लग रहा है उसको आप लोग कमेंट करिए। अगर ना आ रहा है तो भी कमेंट करिए, क्योंकि जो है आप लोग बताएंगे नहीं तो कैसे होगा काम चलेगा, यानी कि आप लोग जो है अपना आंसर बताएंगे, भले ही नहीं आपको आ रहा है तो आप लोग तुक्का मारिए, लेकिन जो है सभी विद्यार्थी बताएंगे। क्यों बताएंगे जो है, इससे आपका जो है मान लीजिए कोई क्वेश्चन सही चल गया तो आपको क्या होगा, अंदर से मोटिवेशन आए कि मैं बता पा रहा हूँ, अंदर से जो है मोटिवेशन आएगा, जिससे आप लोग और पढ़ेंगे। प्यारे बच्चे तो बताएंगे यहाँ पर पक्षी का पर्यायवाची शब्द है, बताएंगे जो कौन सा इसमें जो है पक्षी का पर्यायवाची शब्द है, यही पूछा गया। तो बताएंगे आप लोग शार्दुल दिया गया, उर्ग दिया गया, बिहक दिया गया, वृंद दिया गया, तो यहाँ पर जो है कौन सा आंसर होगा, तो आप बताएंगे जो है बिहक जो है पक्षी का पर्यायवाची होता था जी, बिल्कुल सही आंसर है। जो विद्यार्थी यहाँ पर ऑप्शन सी बताए हैं उनका बिल्कुल सही आंसर है। देखिए और कौन सा पक्षी का पर्यायवाची होता है, तो खग, आप लोग को पता है खग भी जो है, खग जो है किसका पर्यायवाची होता है, बताएंगे पक्षी का पर्यायवाची, इसको आप लोग याद कर लीजिए। गगनचर हो गया, गगनचर जो गगन में चरता है कि आकाश में चलने वाला, उसके बाद जो है पखेरु हो गया, पखेरु पाखेरु, इसको जो है आप लोग याद करेंगे, पखेरु भी हो गया, इनको जो है आप लोग याद करेंगे। बाकी अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, और सभी विद्यार्थी बताएंगे अगले क्वेश्चन का जो है कौन सा आंसर सही हो जाएगा। देखिए जल्दी से बताइए, क्वेश्चन नंबर 10 है, और 10 का आंसर जल्दी से बताएंगे। विद्युत शब्द के लिए नीचे दिए गए विकल्पों में पर्यायवाची शब्द छठ, यानी कि जो विद्युत का कौन सा पर्यायवाची है, ये पूछा है, लेकिन इतना लंबा चौड़ा कौन सा जरूरी थे लिखने के, लेकिन आपको जो घुमाने के लिए आपका दिमाग जो है डिस्टर्ब हो जाए, इसलिए जो है ये जो है एग्जाम वाले ऐसे करते हैं, एग्जाम वाले प्रश्न ऐसे पूछते हैं, लेकिन ऐसे नहीं पूछेंगे कि जो है विद्युत का पर्यायवाची बताइए, ऐसा नहीं पूछा जाएगा। तो पूछा जाएगा, देखिए कहने का मतलब तो सेम ही है, लेकिन जो है यहाँ पर प्रश्न घुमाकर पूछ लिया तो बच्चे बहुत कंफ्यूज होंगे। क्या है, विद्युत शब्द के लिए नीचे दिए गए विकल्पों में से पर्यायवाची शब्द छांट, यानी कि कितना बड़ा लंबा चौड़ा कर दिया है, इतना जल्दी था कौन जल्दी लंबा चौड़ा करने का था, लेकिन यहाँ पर कर दिया है, तो आप लोग जो है एग्जाम में परेशान होंगे, लेकिन परेशान होने की कोई बात नहीं है, इसमें जो है विद्युत का पर्यायवाची पूछा गया है, तो यामिनी होता है या दामिनी होता है या
चमक होता है या पयूत होता है, तो क्या होता है आप लोग बताएंगे, तो आप लोग को पता ही होगा जो है क्या होता है, दामनी होता है। बिल्कुल यहाँ पर जो है दामनी, यहाँ पर बिल्कुल सेंसर है। विद्युत का पर्यायवाची क्या है तो बताएंगे दामनी है। और बताएंगे लोग विद्युत का और कौन कौन सा पर्यायवाची होता है, तो आपको पता ही होगा जो है बिजली हो गया, बिजली। बिजली जो है किसका पर्यायवाची है, तो आप बताएंगे जो है विद्युत का पर्यायवाची है। उसके बाद जो है चपला, चपला भी आप लोग याद करेंगे, चपला, चपला भी जो है, चप्पल नहीं चपला है, ये भी जो है किसका पर्यायवाची है, तो जो है विद्युत का पर्यायवाची है। और जो है चंचला भी, चंचल, चंचला भी जो है किसका पर्यायवाची है, तो आप लोग बताएंगे जो है विद्युत का पर्यायवाची, यानी कि आप लोग इतना याद करेंगे। बाकी चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, और सभी विद्यार्थी बताएंगे अगले क्वेश्चन का कौन सा आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 11, बताइए 11 का कौन सा आंसर होगा। हमन में जलने वाली लकड़ी, जो हवन में लकड़ी जलाई जाती है, आप लोग देखेंगे जो है कोई यज्ञ होता है, यानी कि कोई जो है आप लोग दुर्गा पूजा में देखेंगे, दुर्गा पूजा बिल्कुल इजी एग्जाम्पल है, आप लोग दुर्गा पूजा में देखेंगे उसके 8वें या 9वें दिन जो है क्या होता है, जो है यज्ञ होता है, यानी कि हवन होता है। तो हवन में देखेंगे जो है आम की लकड़ी रखी जाती है, आम की लकड़ी जो होती है लकड़ी, उस लकड़ी को जलने वाली लकड़ी को क्या कहते हैं, तो ये पूछा गया है यहाँ पर देखेंगे। तो बहुत सारे इसका क्वेश्चन का आंसर गलत करेंगे, हवन सामग्री, वन काष्ट, शुष्क काष्ट, समीधा, तो यहाँ पर क्या होगा इसका सेंसर, तो बहुत सोचे हमन सामग्री बताएंगे जो कि बिल्कुल गलत आंसर है यहाँ पर, ए भी गलत, ए भी ना भी, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सेंसर है। समीधा क्या कहते हैं, हमन में लगने वाली जलने वाली लकड़ी को हम लोग समीधा कहते हैं, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। जो विद्यार्थी 11 का ऑप्शन डी बताए हैं उनका बिल्कुल सही आंसर है। बाकी अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, और सभी विद्यार्थी बताएंगे अगले क्वेश्चन का कौन सा आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 12, और 12 का आंसर जल्दी से आप बताइए। जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं, जंगल में जो लगने वाली आग, जंगल में अगर आग लग जाए उसे हम लोग क्या कहेंगे, जठरा, जठरा नल कहेंगे, बड़वा नल कहेंगे, दावा नल कहेंगे, कमला नल कहेंगे, तो क्या कहेंगे बताइए जल्दी से। ऐसे एक होता है पेट में लगने वाली आग को क्या कहते हैं, जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं, तो बताएंगे आप लोग, तो दावा नल, हाँ बिल्कुल सही आंसर है। जंगल में लगने वाली आग को हम लोग दावा नल कहते हैं, और जो पेट में लगता है उसे जठरा नल कहते हैं, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। जो विद्यार्थी यहाँ पर 12 का ऑप्शन सी बताए हैं उनका बिल्कुल सही आंसर है। बाकी चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, और बताएंगे आप लोग इस क्वेश्चन का कौन सा आंसर है। समीश का विपरीतार्थक शब्द है, यानी कि क्या पूछा गया, समीश का जो है विपरीतार्थक शब्द क्या है, यानी कि क्या पूछा है, विलोम शब्द पूछा है, क्या पूछा है, तो आप बताएंगे विलोम शब्द पूछा गया है सर जी, लेकिन जो है देखिए यहाँ पर विपरीतार्थक शब्द लिख दिया, बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे ये विपरीत अर्थक शब्द ये क्या है, तो ये जो है विलोम शब्द ही है। देखिए कहने का मतलब घुमा दिया यहाँ पर, बताएंगे आप लोग यहाँ पर जो है कौन सा आंसर इसका हो जाएगा, तो आप लोग क्या बताएंगे समीश का जो है विपरीत अर्थक शब्द क्या है, तो निराशमीश, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। बाकी अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, और आप लोग बताएंगे अगले क्वेश्चन का कौन सा आंसर जो है सही हो जाएगा। लास्ट में जो है आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि आप लोग का कितना में से कितना क्वेश्चन सही गया। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 है, बताइए जल्दी जैसे 14 का कौन सा आंसर हो जाएगा। इसमें पूछा गया है अतिवृष्टि का विपरीत अर्थक शब्द है, यानी कि अतिवृष्टि, यह सब इंपॉर्टेंट शब्द है, इनको जो है इस एग्जाम में, हर एग्जाम में रिपीटेड प्रश्न है, यानी कि जो है ये सब जो है से समीस हो गया, उसके बाद अतिवृष्टि हो गया, ये सब जो है घुमा घुमा कर बार बार पूछे गए प्रश्न है। इसको तो आप लोग 3 स्टार नहीं 5 स्टार लगा लीजिए, 5 स्टार लगा लीजिए, इसको 5 स्टार लगा लीजिए, क्योंकि जो है ये प्रश्न पूछा जाता है बार बार, ये शब्द जो है अतिवृष्टि बार बार पूछा गया शब्द है, तो बताएंगे इसका जो है कौन सा विपरीत अर्थक शब्द है, कि इसका कौन सा विलोम शब्द है, तो आप लोग क्या बताएंगे अल्पवृष्टि, अनावृष्टि, लघु वृष्टि, ऑलमिनल, तो आप बताएंगे अनावृष्टि यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा। जो विद्यार्थी यहाँ पर ऑप्शन बी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही आंसर है। बाकी अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, और सभी विद्यार्थी बताएंगे अगले क्वेश्चन का जो है कौन सा आंसर हो जाएगा। देखिए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 15 है, और 15 का आंसर बताइए, हाथ धोकर पीछे पड़ना, यानी कि इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा, हाथ धोकर पीछे पड़ना, यानी कि जो है आप लोग जो है JNB क्लास नाउ के लिए, JNB क्लास नाउ का जो है तैयारी कर रहे हैं, तो उस पर जो है आप लोग हाथ धोकर पढ़ जाइए, किस पर, हाथ धोकर पढ़ जाइएगा, हाथ धोकर पढ़ेंगे तभी तो पास होंगे, यानी कि किसी काम को जो है हाथ धोकर पढ़ना, तो यानी क्या होगा किसी काम को करने के जी से जान लगा देना, पूरी तरह से तैयार होकर किसी काम के पीछा करना, स्वार्थ होना, नुकसान पहुंचाना, तो यहाँ पर क्या होगा हाथ धोकर के पीछे पड़ना, यानी कि किसी काम को में जी जान लगा देना, यानी कि आप लोग जी जान लगा देंगे नवोदय क्लास 9th में, तो आप लोग पास हो जाएंगे, बिल्कुल पास हो जाएंगे, कोई पहाड़ वाली एग्जाम थोड़ा ना है कि नहीं पास होंगे, बिल्कुल पास होंगे, बहुत से बच्चे पास भी होते हैं,
बहुत से बच्चे जो है प्रीवियस यानी कि पिछले साल जो है पास भी हुए हैं, क्लास 11 का भी और क्लास 9 के भी, जो हमारे चैनल से पढ़ के तैयारी किए थे और जो है अच्छे अंक से जो है पास भी हुए थे। यानी कि बताएंगे यहाँ पर जो है ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा, तो आप बताएंगे ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है, हाथ धोकर के पीछे पढ़ाने की, किसी काम को जी जान लगा देना। यानी कि आप लोग अगर क्लास 9 के लिए जो है तैयारी करने हैं तो आप लोग जो है जी हाथ धोकर के पढ़ जाइएगा, हाथ धोकर के पीछे पढ़ जाएंगे तो बिल्कुल पास हो जाएंगे। यानी कि ऑप्शन यहाँ पर ए बिल्कुल सही आंसर है, जो विद्यार्थी यहाँ पर ऑप्शन ए बताए हैं उनका बिल्कुल सही आंसर है। अब आप लोग जो है जल्दी से कमेंट करके बताएंगे, ऑफलाइन कमेंट करेंगे चाहे ऑनलाइन कमेंट करेंगे, और बताएंगे कि आप लोग को जो है 15 में से कितना क्वेश्चन सही गया, 15 में से आपका कितना क्वेश्चन सही गया है, इसका आंसर जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो आशा है प्यारे बच्चे आज क्लास आप लोग को पूरा समझ में आया होगा, तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, मिलते हैं अगले क्लास में।